14 फरवरी 1981, कानपुर देहात का एक छोटा सा गांव बहमई। दोपहर 2:30 बजे का वक्त था। गांव के अंदर 35 से 40 डाकुओं का एक गिरोह दाखिल होता है और यह गिरोह लूटपाट शुरू कर देता है। पूरे गांव को लूटने के बाद डकैत गांव में मौजूद 26 पुरुषों को गांव के ही एक कुएं के पास लाइन में खड़ा कर देते हैं। गिरोह के सरदार एक 17 साल की लड़की हाथ में बंदूक लेकर सवाल करती है, श्री राम लाला राम को मदद कौन करता है। सामने खड़े लोगों में खामोशी छाई रहती है और ये खामोशी टूटती है गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ। डकैत सामने खड़े लोगों पर अंधाधुंद गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक एक आदमी को जिंदा है या मर गया कंफर्म करके वापस गोली मारी जाती है। ये गैंग था मल्लाह गैंग और गैंग के सरदार का नाम था बैंडिट क्वीन, यानी फूलन देवी। 26 लोगों में 22 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, लेकिन 4 लोगों की किस्मत अच्छी थी और वो बच गए। फूलन ने खुद के साथ हुए जुर्म का बदला ले लिया। क्या हुआ था ऐसा जिसका बदला लेने के लिए फूलन देवी ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया कि मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। आपको बताएंगे इस नरसंहार के पीछे की कहानी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए फूलन देवी के डाकू बनने की कहानी। अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गुड़ापुर के मल्ला परिवार में जन्मी फूलन बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव की थी। फूलन जब 9 साल की हुई तो उसका विवाह उम्र में 3 गुना बड़े पुत्ती लाल से कर दिया गया। पति की मारपीट से तंग आकर फूलन एक दिन मायके वापस आ गई। घर आकर फूलन को पता चला कि उसके सरपंच ताऊ ने धोखे से फूलन के अनपढ़ पिता की 37 बीघे जमीन अपने नाम करा ली है। फूलन ने ताऊ का विरोध किया तो उसके ताऊ ने गांव के कुछ दबंगों को फूलन के पीछे लगा दिया। एक दिन गांव के दबंग ने फूलन से छेड़छाड़ की तो फूलन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये गांव में किसी लड़की का दबंग को पहला जवाब था। इसके बाद दबंगों ने बाबू गुर्जर गिरोह को फूलन की सुपारी दे दी। बाबू गुर्जर फूलन को रात में घर से उठा कर ले गया। बाबू गुर्जर ने बीहड़ में फूलन के साथ जाति की और उनका शोषण किया, लेकिन इसी दौरान बाबू गुर्जर के साथ ही विक्रम मल्लाह का दिल फूलन पर आ गया और उसने बाबू गुर्जर को मारकर फूलन को आजाद करवा दिया। विक्रम मल्लाह अब बाबू गुर्जर गैंग का सरगना था। गिरोह के अब 2 भाग हो गए थे। एक गिरोह था ठाकुरों का जिसका मुखिया था लाला राम श्री राम, तो वही एक गिरोह था मल्लाहों का जिसके मुखिया थे विक्रम मल्लाह और फूलन देवी। लाला राम श्री राम को यह बात हजम नहीं हुई कि एक लड़की के लिए विक्रम मल्लाह ने बाबू को मार दिया और एक दिन लाला राम श्री राम ने बाबू गुर्जर की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम मल्लाह को धोखे से मार डाला। लाला राम श्री राम फूलन को बंधक बनाकर बहमई गांव ले आए। बहमई गांव ठाकुरों का गांव था। बहमई में लाला राम श्री राम और उनके साथियों ने 3 सप्ताह तक फूलन का शोषण किया। फूलन देवी पर बनी फिल्म में यह दिखाया भी गया है कि लाला राम श्री राम ने फूलन को निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाया था, लेकिन फूलन ने अपने इंटरव्यू में हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। 20 दिन बाद फूलन को वो मरने जैसी हालत में गांव के बाहर फेंक दिया गया। खुद के साथ हुई हैवानियत का बदला लेने के लिए फूलन देवी तड़प उठी और उसने दोबारा चंबल को अपना ठिकाना बना लिया। चंबल में इस बार उसने कुख्यात डाकू मान सिंह से हाथ मिला लिया और एक दिन आ पहुंची उसी बहमई गांव जहां उसके साथ हैवानियत हुई थी। लाला राम श्री राम की मदद करने का आरोप लगाकर फूलन देवी ने 22 लोगों को लाइन लगाकर गोली से मार डाला। घटना के 4 घंटे बाद पुलिस जब गांव पहुंची तो गांव में महिलाओं के रोने की आवाज और आसमान में चील कौवे की आवाजें गूंज रही थी। इस घटना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद निर्देश दिए कि या तो फूलन देवी सरेंडर कर दे या उसका एनकाउंटर हो जाए।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो गई। फूलन गैंग के कई डकैतों का एनकाउंटर हो गया, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं आई। उत्तर प्रदेश पुलिस फूलन के एनकाउंटर को बेताब थी, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने भिंड के एसपी राजेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी कि फूलन को सरेंडर करवाया जाए। राजेंद्र चौधरी ने फूलन को कई प्रयासों बाद आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया, लेकिन फूलन को डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। एसपी राजेंद्र चौधरी ने फूलन को जमानत के तौर पर अपना इकलौता बेटा दे दिया और जब फूलन सरेंडर करने को तैयार हुई, 13 फरवरी 1983 को भिंड का एमजीएस कॉलेज, दसियों हजार लोगों की भीड़ थी, मंच पर मुख्यमंत्री अर्जुन देव भी मौजूद थे। तभी फूलन देवी हाथ में बंदूक लिए मंच पर चढ़ती है। मंच पर आकर वह मुख्यमंत्री के पैर छूती है और बंदूक उनके कदमों में रख देती है। भीड़ के सामने फूलन देवी का सरेंडर हो गया। उन्हें मध्य प्रदेश की जेल में रखा गया। इस सरेंडर से उत्तर प्रदेश पुलिस खुश नहीं थी। उन्हें फूलन देवी का एनकाउंटर करना था, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। फूलन पर 22 लोगों की हत्या, 38 डकैती और 40 से ज्यादा अपहरण का आरोप था। उन्हें 11 साल जेल में रखा गया। फूलन देवी ने 1983 में आत्मसमर्पण किया और 1994 तक जेल में रही। इस दौरान कभी भी उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं भेजा गया था। 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें जेल से रिहा करवा दिया। जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी 1996 में समाजवादी पार्टी से सांसद चुनी गई। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई, जिसे पूरे यूरोप में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली। 1998 में फूलन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल उन्हें दोबारा सांसद चुना गया। खून का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 25 अगस्त 2001 शेर सिंह राणा नाम का एक आदमी फूलन देवी से मिलने उनके दिल्ली स्थित घर आया। शेर सिंह राणा फूलन की एकलव्य सेना में शामिल होने की बात कहकर आया था। फूलन ने प्रसाद में बनी खीर शेर सिंह राणा को खिलाई थी। खीर खाने के बाद शेर सिंह राणा को छोड़ने वे दरवाजे तक आई थी। शेर सिंह राणा के जाने के बाद फूलन देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी 3 नकाबपोश लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी और बैंडिट क्वीन कहे जाने वाली फूलन देवी की मौके पर ही मौत हो गई। फूलन देवी की मौत के बाद खूनी संघर्ष का एक अध्याय भी खत्म हो गया। इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।